हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द पेंट ग्रुप पे। जो भी हमने पिछले वीडियो डाला था उस पर आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल द पेंट ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो हमने पिछले वीडियो डाला था वो था कि वॉल्वेट का एक लग्जरी ड्यूलक्स का लग्जरी इंटीरियर इमल्शंस था। आज हम इसी तरह से एक इंडिगो का लग्जरी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है इंडिगो का एक्रिलिक लेमिनेट लग्जरी प्रोडक्ट है। एक्रिलिक लेमिनेट ये एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों के लिए सुटेबल है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसकी फिनिशिंग कैसा आता है, इसकी क्वालिटी कैसी है या इसकी कवरेज एरिया क्या है। हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, इसका डेमो करेंगे और देखेंगे कि हमारी फिनिशिंग कैसा आता है। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है अप्लाइंग एरिया, कि इसकी अप्लाइंग एरिया क्या है। तो अगर हम इसकी अप्लाइंग एरिया की बात करें तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के लिए सुटेबल है। आप अंदर के दीवार पे भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो बाहरी दीवारों पे लगा सकते हैं। हाँ, थोड़े कवरेज एरिया की उसमें फ़र्क आएगी जो हम आगे बात करेंगे और हम आपको बताएंगे। फिर हम बात करते हैं इसकी अप्लाइंग सर्फेसेस की, कि ये कौन कौन से सर्फेस पे आप लगा सकते हैं। तो ये आप कंक्रीट के वाल पे लगा सकते हैं, ब्रिक्स के वाल पे लगा सकते हैं या जहाँ पे भी प्लास्टर्स हुआ आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कवरेज एरिया, कि इसकी कवरेज एरिया क्या है। तो अगर हम कवरेज एरिया की बात करें तो ये कवरेज एरिया इंटीरियर और एक्सटीरियर जो वाल्स होते हैं उस पर वो डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर वाल्स के लिए, कि अगर आप इस पेंट को बाहरी दीवार पर लगा रहे हो तो इसकी कवरेज एरिया कितनी आएगी। तो अगर हम बात करें बाहरी दीवार के लिए, तो ये आपको अगर एक लीटर पेंट एक कोट लगाते हैं तो 120 से 140 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। वहीं अगर आप एक लीटर पेंट दो कोट लगाते हैं तो वो आपको 60 टू 70 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर आप एक्रिलिक लेमिनेट को इंटीरियर पर लगाते हैं, अंदर दीवार पर लगाते हैं, तो क्या कवरेज एरिया देगा। तो अगर आप इंटीरियर पर लगाते हैं तो अगर इंटीरियर पर आप एक लीटर पेंट एक कोट लगाते हैं तो वही 190 से 200 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। वहीं अगर आप एक लीटर पेंट दो कोट लगाते हैं तो वो 120 से आपको 140 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप इस पेंट को लगा रहे हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर पे, तो इसकी जो कवरेज एरिया है वो चेंज हो जाएगी। मतलब इंटीरियर वाल्स पे अलग है और एक्सटीरियर वाल्स पे के लिए अलग है। फिर हम बात करते हैं इसकी सरफेस फिनिशिंग की, कि इसकी सरफेस फिनिशिंग कैसे आता है। तो इसकी सरफेस फिनिशिंग आपको हाई शीन देखने को मिलता है एंड स्मूथ देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये मैट में या वैसा नहीं, आपको बिल्कुल हाई शीन देखने को मिलेगा और बिल्कुल स्मूथ फिनिश देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इसकी वॉशेबिलिटी की, इसकी वॉशेबिलिटी कैसा है। किसी भी वॉल्स पर अगर आप पेंट लगा दिए तो उसको आप कितना धुल सकते हैं या उसको कैसे साफ कर सकते हो। तो इसकी वॉशेबिलिटी हाई है, आप जितना चाहे उसको साफ कर सकते हो, धुल सकते हैं और वहाँ से जो दाग धब्बे हैं वो उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है वाटर डाइल्यूशन रेशियो, कि इसकी वाटर डाइल्यूशन रेशियो कितनी है। अगर आप एक लीटर पेंट लेते हैं तो उसमें कितना आप वाटर मिक्स कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी वाटर डाइल्यूशन रेशियो की बात करें तो इसमें आप 35 to 40%, कहने का मतलब ये है कि आप एक लीटर पेंट में 350 से 450 ml तक वाटर मिक्स कर सकते हैं और आप उसको पेंट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की, इसकी प्राइस रेंज आपको क्या पड़ेगी या कितने की पड़ेगी। तो ये आपको मार्केट में अबाउट 400 पर लीटर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कहीं पे भी मार्केट में लेते हो तो जो व्हाइट कलर होता है वो आपको ऑलमोस्ट 400 पर लीटर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई कलर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डार्क कलर हो गया या लाइट कलर हो गया, वो कलर के ऊपर डिपेंड करने लगेगा, क्योंकि उसकी कलर की शेड कैसा है, डार्क है या लाइट है, उस हिसाब से वो प्राइस वैरी करने लगेगा। फिर हम बात करते हैं इसकी पेंट वारंटी की, कि जो ये कंपनी देती है इसकी क्या वारंटी आपको देती है, आप इस कंपनी क्या क्लेम करती है। तो इसकी जो पेंट की वारंटी है वो 5 ईयर्स है। आप 5-5 सालों तक अगर कुछ भी होता है, जैसे आपको अगर किसी भी वाल पर लगाते हैं, आप तो एक्सटीरियर पर लगाएं या फिर इसको इंटीरियर पर लगाएं, तो वहाँ पर वो आपको जो कलर है वो लॉक करके रखेगा या फिर इसमें कोई किसी तरह से कलर फेड नहीं होने देगा या पेंट के वाल्स के जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी बेस्ट बना के रखेगा, वो 5 साल के पहले आपको ख़राब नहीं होने देगा। फिर हम बात करते हैं इसकी सेल्फ लाइफ की, कि अगर आप कोई पेंट लिए हैं और किसी भी स्टोर पे अगर रखे हो तो इसकी क्या सेल्फ लाइफ होगी। तो इसकी भी सेल्फ लाइफ आपको 3 साल है। कहीं पे भी अगर आप पेंट रखें, आप डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ना रखें या फिर इसको जो टाइट एयर टाइट बॉक्स है उसको ओपन ना करें, तो ये ईजिली 3 साल तक, ये कंपनी कहती है कि 3 सालों तक इसकी जो क्वालिटी है उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर हम बात करते हैं अवेलेबल सेट की, कि अगर आप ये पेंट लेते हैं तो इसमें आपको कितना कलर ऑप्शन मिलता है। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 1800 प्लस कलर शेड मिलता है। कहने का मतलब इंडिगो का जितना बड़ा फैंडेक है या फिर इंडिगो में जो भी कलर कोड एक्सेप्ट करता है, तो उसमें सारे के सारे कलर या आपको इस प्रोडक्ट में बन जाएंगे, इसके सारे बेस आते हैं। तो इसका कलर ऑप्शन की अगर आप पूछें तो ऑसम है। इसमें इतना कलर ऑप्शन है, आप जो चाहें कलर, लाइट चाहें, डार्क चाहें या फिर
ऑरेंज शेड में चाहे जो भी चाहे आप इसमें आपको मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी सर्फेस ड्राइंग की, इसकी सर्फेस ड्राइंग टाइम कितना है। तो इसकी सर्फेस ड्राइंग टाइम 30 मिनट है। किसी भी अगर वाल्स पे आप लगाते हैं तो उसकी जो सर्फेस है 30 मिनट में सूख जाएगी, टच ड्राई हो जाएगी। उसके बाद वहाँ से ना तो आपको हाथों में आएगा ना ही कपड़ों में लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ही टच ड्राई हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी रिकोटिंग टाइम की कि अगर आप 1 लीटर पेंट लिए हैं और आपको एक कोट कहीं लगा दें दूसरा कोट लगाना है तो आपको कितना देर में लगाना चाहिए। तो अगर हम इसकी रिकोटिंग टाइम की बात करें तो वो कम से कम आपको उसके लिए 4 से 6 घंटा वेट करना चाहिए, उसके बाद ही दूसरा कोट लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि टच ड्राई होगा तो हम दूसरा कोट लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि पेंट की शाइनिंग और बॉन्डिंग में इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी आप कभी भी एक कोट लगा दिए दूसरा कोट लगाना है तो प्रॉपर उसको ड्राइंग टाइम दें, इससे क्या होता है कि पेंट की शाइनिंग और मजबूती दोनों ही अच्छी रहती है। फिर हम बात करते हैं इसकी पैकिंग साइज की कि अगर आप ये पेंट लेते हैं तो इसमें कौन कौन से पैकिंग साइज आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर, ये चारों पैकिंग साइज में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट बेनिफिट की कि अगर यह कंपनी देती है तो क्या कहती है। तो प्रोडक्ट अगर इसकी हम बात करें तो रिच सीन है, एंटी एल्गल है, कहीं पर भी अगर आप लगाते हैं जहाँ बाहरी दीवारों पर तो जो बरसात के दिनों में आप देखते होंगे दीवारों पे काला काला पड़ता है वो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल स्लिपरी सरफेस है। तो जो भी वाटर से इस पर जाएगा या बरसातों के दिनों में पानी आएगा वो तुरंत ही स्लिप करके नीचे चला जाएगा, जिससे आपको एल्गल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। या फिर ये थोड़ा हाई वाटर प्रूफिंग है, अगर आप कभी भी वाल पे लगाते हैं तो पेंट जो है वाटर को रिप्लेस करेगा, अपने पास से ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो पेंट को बाहरी की तरफ निकालेगा, जिससे क्या होता है कि दीवार आपका गीला नहीं होगा और पेंट की जो लाइफ होगी वो और अच्छी रहेगी। तो चलिए हम इसका डेमो करते हैं और देखते हैं कि हमारा कैसा इस सरफेस फिनिशिंग आता है, इसकी क्वालिटी कैसा आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखा होगा कि हम किसी भी एक पेंट को जिस भी पेंट को हम लगाते हैं वहाँ पे किसी सरफेस पे 2 कोट लगाते हैं, प्रॉपर ड्राइंग टाइम देते हैं, उसके बाद जब वो सूख जाता है तो हम उसकी हार्डनेस देखते हैं या फिर उसकी सरफेस फिनिशिंग कैसा आता है ये देखते हैं या फिर उसकी वॉशेबिलिटी कैसा, हम इन सारी चीज़ों को पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने एक्रिलिक लेमिनेट को भी 2 कोट लगाया तो आप देख सकते हैं इसकी वाइपिंग अगर आप देखें तो काफ़ी बेस्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा टिंट करते हैं तो इसकी आप अगर आपको लाइट कैमरे में पता नहीं दिखा पा रहे हैं, अगर इसकी लाइट रिफ्लेक्शन को देखें तो ये काफ़ी बेस्ट है। मैंने जो भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स एक्सटीरियर में मैंने दिखाए हैं आपको अब तक उनमें दी बेस्ट है इसकी शाइनिंग, इसकी जो शाइनिंग की क्वालिटी है वो बेस्ट है। आप देख सकते हैं इसकी वाइटनिंग भी, आप देखिए इसकी वाइटनिंग दी बेस्ट है। अगर आप इसकी हार्डनेस को देखें तो आप जितना चाहे इस पे नाखून को मूव कर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस पेंट को, ना ही नाखून को आपको कोई भी आपको देखिए दाग वगैरह बिल्कुल भी आपको नहीं मिल रहा होगा, बिल्कुल ऐसा है जो एकदम बिल्कुल हार्ड प्रोडक्ट जो बोलते हैं ना ऐसा है, एक लेयर ऐसा हार्ड बना देता है जो कि आपको वाटर रिप्लेंट हो जाता है जो भी बारिश के टाइम में या कोई भी वॉशेबिलिटी तो इसकी ऐसी है पूछिए मत। अब कुछ भी लगे हाई स्टेन है आप इसको साफ कर सकते हैं, अब इसकी देख सकते हैं हार्डनेस काफ़ी बेटर है और इसकी फिनिशिंग भी आपको काफ़ी बेहतर है। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आप इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही जगह अप्लाई कर सके और प्रीमियम प्रोडक्ट हो, उसकी शाइनिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा हो या फिर उसकी हार्डनेस बेहतर हो तो आप इंडिगो का एक्रिलिक लेमिनेट चूज कर सकते हैं। ये दी बेस्ट प्रोडक्ट है, आप चाहे तो अंदर लगाएं या आप चाहे तो बाहर लगाएं, इसकी कवरेज एरिया भी दोनों की अंदर बाहर पे काफ़ी बेटर है। जैसे आप प्रीमियम इंटीरियर प्रोडक्ट की कवरेज होती है बिल्कुल वैसा ही कवरेज एरिया भी है इसकी, और ये इंडिगो का सिग्नेचर प्रोडक्ट है। तो अगर कभी भी आपको कोई ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट लगाना है तो आप इंडिगो का एक्रिलिक लेमिनेट सेलेक्ट कर सकते हैं और ये दी बेस्ट है। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हमारे आपको नए नए प्रोडक्ट लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।